आदरणीय बंधुओं ओम नमः शिवाय। आज आपको महान शिव भक्त घुष्मा और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। उसी के निकट सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेया था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। सुधर्मा वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिव संबंधी पूजनादि कार्य में सदा ही लगे रहते थे। सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तब ब्राह्मणी ने बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब उसके पुत्र हो जाएगा तब उससे स्पर्धा करने लगोगी। तब उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी दाह नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेया भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेया के मन में डाह पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधु घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शैया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी। उसने सास घुष्मा के पास जाकर इसकी सूचना दी और वह बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से करुणा विलाप करती हुई रोने लगी। किंतु घुष्मा उस समय वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया का दृष्टपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना और सोचने लगी जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे, अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा। इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया तथा वह पूर्ववत पार्थिव लिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस समय वह अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को न तो हर्ष हुआ और न विषाद, वह पूर्ववत स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र उसके समक्ष प्रकट हो गए और इस प्रकार बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ यह सुदेया मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता, इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो गया है। घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुष्मे तुम कोई और वर मांगो। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभो यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ सदा निवास करूँगा। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं और सुख की वृद्धि उसी प्रकार होती है जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। बोलिए ओम नमः शिवाय।